Christmas. Welcome back to the channel Brilliant Minds by Neeru. I brought this video. This is regarding the 10th class CBSE board results. How they are going to be calculated by the teachers. There are so many queries of teachers and students as well. So in this video, I am going to tell you what CBSE has the answers for all your queries. So let us start with, in view of the COVID-19 pandemic situation in India, CBSE class 10 board exams were cancelled. Everybody knows that they cancelled ho gaye the. Now students will be allotted marks for the year 2021 on the basis of internal assessment conducted by the schools. And how is it going to be conducted? I'll be explaining you. And the last date was to complete this process was June 11th. But now date has been extended to June 30th. Okay, अब time ज़्यादा हो गया है ताकि teachers आराम से result अच्छे से prepare कर सकें. कुछ इंपॉर्टेंट वैसे तो 57 क्वेरीज आर देयर जिनके आंसर सीबीएसई ने दिए हैं और अभी मैं आपको सभी शो करने वाली हूँ विद आंसर्स. लेकिन कुछ क्वेरीज हैं स्टूडेंट्स की स्पेशल जो मैं आपको बताना चाहूंगी. इफ एनी कैंडिडेट इज नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बेस्ड ऑन द अबव ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया व्हाट रेमेडी विल बी प्रोवाइडेड बाय सीबीएसई टू कैंडिडेट कंसर्न. सो व्हाट्स द आंसर, व्हाट इज द आंसर बाय सीबीएसई. Any candidate who is not satisfied with the marks allocated will be given an opportunity to appear in the exams to be conducted by CBSE as and when the conditions are conducive to hold the exam. Jab conditions theek hongi, favorable hongi, to us samay hi aap exam ke liye appear ho sakte hain agar aap satisfied nahi hain jo aapka result aapko mila hai. Second, jo aapka bahut students ka ek aur question bahut pucha ja raha hai, if any candidate is not appeared in any assessment, how schools will do the assessment of their students? ये स्टूडेंट्स की तरफ से भी क्वेरी है और टीचर्स की तरफ से भी है. इफ एनी कैंडिडेट हैज नॉट अपीयर्ड इन एनी ऑफ द असेसमेंट्स कंडक्टेड बाय स्कूल, द स्कूल मे कंडक्ट एन ऑफलाइन और ऑनलाइन और टेलीफोनिक वन टू वन असेसमेंट एंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस टू सर्टिफाई द रिकमेंडेशंस. द स्टूडेंट मे बी असेस ऑब्जेक्टिवली ऑन दैट बेसिस बाय द स्कूल आउट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट. तो आपका ऑफलाइन भी हो सकता है, टेलीफोनिक भी आपका एग्जाम हो सकता है. What the schools need to do in case the parents want to view the exam copies or want to verify the marks. हमेशा ये आप मालूम है सालों से रूटीन रही है कि आप लोग अपने आंसर शीट देख पा रहे थे, लेकिन इस बार नो सच फैसिलिटीज अवेलेबल फॉर द करेंट ईयर. ये आपका एक्सेप्शनल ईयर है, सो नो सच फैसिलिटी फॉर यू. अब कुछ क्वेरीज हैं टीचर्स की, वैसे तो बहुत सारी हैं, 57 क्वेरीज में से कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है टीचर्स को कैलकुलेशन के अंदर वो है. What to do in case of मैक्सिमम मार्क्स फॉर ईयर एंड थ्योरी एग्जाम्स आर 30 और 50 और 70 एंड नॉट 80. अगर आपके 80 में से नहीं है, 30, 50 या 70 में से हैं, तो मार्क्स विल बी प्रोपोर्शनली कैलकुलेटेड और रिड्यूस एंड अवॉर्डेड. जैसे एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हैज सिक्योर्ड 25 मार्क्स आउट ऑफ 13 ईयर एंड थ्योरी एग्जामिनेशन, द मार्क्स विल बी कन्वर्टेड आउट ऑफ 50 है, तो आप उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड डिविजन बाय 30. ओके, अगर 70 है तो मल्टीप्लाइड बाय 70 and divided by 30. Out of 80, then multiply by 80 divided by 30. और बाद में देखिए आपका राउंड ऑफ हो रहा है 41.66 राउंड ऑफ टू 42. 58.33 becomes 53. अब आपके सामने बहुत सारे सीबीएसई ने आपके सामने frequently asked questions दिए हैं, बहुत सारे आंसर हैं, डेट आपकी चेंज हो गई है इसके अंदर. ये देखिए आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन हैं, किस तरह से देखिए एक लिंक का भी है, व्हाट्स द लिंक ऑफ वेबिनार कंडक्टेड बाय सीबीएसई ने एक लिंक दिया था. ये लिंक है YouTube के बाद जब उनका वेबिनार आया था इससे रिलेटेड. अब देखिए जैसे स्कूल के टीचर्स कैन टेक 5 टीचर्स. अब आप स्टूडेंट्स आप लोग सोच रहे होंगे कि टीचर्स की अपनी मर्जी है कैसे मार्क्स है. नो, अपने वो रिकॉर्ड्स चेक किए जाएंगे और स्कूल के भी 5 टीचर्स होंगे. नो, 5 टीचर्स शुड बी फ्रॉम मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस एंड 2 लैंग्वेजेस. दिस इज बिकॉज दीज सब्जेक्ट टीचर्स कैन मेक अ करेक्ट ओपिनियन अबाउट द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट देमसेल्व्स और विद द हेल्प ऑफ अदर टीचर्स ऑफ दीज सब्जेक्ट्स टॉट टू द स्टूडेंट्स. From where other 2 teachers will be co-opted in the committee by the principal. ऐसा ही नहीं कि सब आपके स्कूल के ही टीचर्स यहाँ बैठ के रिजल्ट बनाएंगे, बल्कि 2 टीचर्स फ्रॉम नेबरिंग स्कूल शुड बी को-ऑप्टेड बाय द स्कूल एज एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द कमेटी. और इसके अंदर बहुत सारी प्रिकॉशंस ली जाएंगी इसके अंदर. ये सब कुछ ये टीचर से रिलेटेड क्वेरीज हैं जो कि टीचर्स ने वेबिनार अटेंड भी किया था. और स्टूडेंट्स आई होप कि आप लोगों की भी बहुत सारी क्वेरीज यहाँ पर सॉल्व हो गई होंगी. इन टोटल देयर आर 57 क्वेश्चंस. तो इससे आपको भी एक मालूम चल जाएगा एक आपको सीन क्या सिनेरियो है, किस तरह से आप लोगों का रिजल्ट बनाया जाएगा इस बार. एवरीथिंग विल बी फेयर. आप स्टूडेंट्स आप लोगों के अच्छे के लिए ही, आप लोगों के लिए सब, आपके वेलफेयर के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है.
अब देखिए क्लास ट्वेल्थ है, क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट्स कितने परेशान हैं, जब तक उनका डिसीजन कुछ नहीं आता, जबकि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस मूव हो चुका है। नाउ लेट अस सी उनके लिए क्या डिसीजन लिया जाता है। बहुत से बच्चे तो यही चाहते हैं कि हमारा भी टेंथ क्लास की तरह ही इंटरनल असेसमेंट हो जाए। लेट्स सी ये हमारा क्या डिसीजन निकल कर आता है कोर्ट की तरफ से। टिल देन कीप वेटिंग। और आप लोगों के सामने है कोई भी क्वेरीज हैं, आप ये वेबिनार भी आप देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया, डू सब्सक्राइब द चैनल ब्रिलियंट माइंड्स बाय नीरू, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी आप लोगों को वीडियोस दिखेंगी, आपके मतलब की आगे भी बहुत सारी मैं अपलोड करने वाली हूँ, जैसे IT 402 कोड है एंड मेनी मोर वीडियोज फॉर यू स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट।